खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर के श्री हनुमान जी महाराज का पूजन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने सर्वप्रथम राम लल्ला के दर्शन कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसके पश्चात भूमि पूजन कर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री सहित सभी अतिथियों का उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम की पावन भूमि पर पधारने के लिए स्वागत व आभार व्यक्त। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय सियाराम के साथ करते हुए कहा कि भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारत नष्ट कर दी गई, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति का आधार है राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी ने ही की है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का ये आयोजन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्र भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहाँ पर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी के दर्शन करने आएगी। राम मंदिर के निर्माण की यह प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का। अपने संबोधन के समापन पर है प्रधानमंत्री उन्हें जय श्री राम का उद्घोष किया। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा, भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रख रहा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा बल्कि इसकी गुंज पूरे विश्व भर में। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीराज जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धे आदरणीय मोहनराव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने
मुझे आमंत्रित किया इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदय पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।